चाहता था कि करण एटलीस्ट टॉप टू में होता और मेरे लिए वो जीतता, वो डिजर्व करता। उसकी सी जर्नी रही है, उसने खुद खेला हमेशा और यू नो किसी के भरोसे रह के गेम नहीं खेली है जैसा उसको ठीक लगा। मैं जब बाहर आया उसके बाद तो मेरे लिए बिग बॉस ख़त्म हो गया था, मैं एक एपिसोड भी नहीं देखा बिकॉज आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। पर हाँ टॉप टू में तो मैं अपने आप को केके को देखता था, बट मैं नहीं था तो ऑब्वियसली आई वॉज एटलीस्ट सींग इन टॉप टू। विनर तो मेरे लिए था कि वही जीते, इज अ फ्रेंड डियर फ्रेंड, उसकी जर्नी भी वैसी रही है। फेवरेट नहीं जीती तो थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ। एंड जो टॉप टू में भी मेरे फाइनली प्रतीक भी जो मेरे फेवरेट थे वो गए, बट आई डोंट नो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। बट आई थिंक तेजा जीती है, सो गेम है, कोई तो जीतता है कोई हारता है, इट्स ओके। बट आई थिंक तेजा इज अ प्रॉपर विनर बिकॉज लाइफ पार्टनर भी जीत गई, शो भी जीत गई और एक शो मिल भी गया, तो आई थिंक उनके लिए विन विन सिचुएशन। और मैम बट आई एम नॉट हैप्पी, आई सो विश शमिता जीती। बट मुझे लगता है शमिता और प्रतीक एनी वे उन्होंने इतने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी है, ट्रॉफी से बहुत बड़ा है। मुझे लगता है जो मुझे लगा कि मुझे लगता है पहले कलर्स का शो कर लेना चाहिए बिग बॉस में जाने से पहले, जो मुझे लगता है एक लूपहोल है उस शो को जीतने के लिए, तो मुझे लगता है पहले मुझे कलर्स का शो कर लेना चाहिए अगर ऐसे शो में जाऊँगा। कंग्रेचुलेशंस तेजा एंड बेस्ट विशेज आपके आगे करियर में, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको। और इट्स वेरी गुड यू नो एंड ऑफ द डे जो डिज़र्व करता है वो जीतता है। सो ना सिर्फ उनको, जितने भी तमाम लोग हैं जो टॉप फाइव में आए उन सभी लोगों को, इवन रश्मि जी के लिए आई फेल्ट वेरी बैड, बट देन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन और आई थिंक उनका भविष्य आगे और भी बहुत ब्राइट है। उसके अलावा प्रतीक ऑल्सो, प्रतीक ने भी बहुत अच्छा किया है तो ही टॉप टू तक पहुंच पाए। और करण कुंद्रा जी एंड शमिता जी ऑफ कोर्स, तो सब ने बहुत अच्छा किया है, बट कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जितने भी लोग थे मेरे ख्याल से निशांत भाई तो अभी बाहर निकला है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इज़ माई ब्रदर नाउ एंड एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छा वक्त हमने साथ में गुजारा है, तो एक वो हो गया। उसके अलावा गाबा है ने आवा, गाबा मेरा फेवरेट रहा है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और यू नो अक्सर मौका मिलने पर हम लोग मिलते हैं और अच्छी टॉकिंग टर्म्स है और शायद ये रिश्ता आगे लंबा चलेगा। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।